देखो, अगर आप 60,000 के अंडर एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो कहीं और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए 2 गेमिंग लैपटॉप्स और 3 प्रोफेशनल लैपटॉप्स हैं, जो स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस जाने वाले लोग यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो बहुत ही तगड़े लैपटॉप्स है, क्योंकि इसमें आपको 16 GB रैम, i7 प्रोसेसर्स एंड RTX 3050 ग्राफिक्स तक सब चीज मिलती है, एकदम फुल पैक्ड लैपटॉप्स है। तो काफी एक्साइटेड हूं आपको सारी चीजें बताने के लिए। एंड वैसे इस चैनल पर ऐसे लैपटॉप रिलेटेड सजेशंस, रिव्यूज एंड स्मार्टफोन गैजेट्स वगैरह ट्राई आउट करते रहता हूं मैं, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब लैपटॉप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ज्ञान की बात आपके साथ शेयर करता हूं। कभी भी प्रोसेसर सिलेक्ट करते वक्त अगर H सीरीज प्रोसेसर ले रहे हो, दैट मींस वो थोड़े से हाई पावर्ड होते हैं, थोड़े से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं, एंड जो U सीरीज प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े से अंडरक्लॉक्ड होते हैं, बैटरी सेविंग ज्यादा करते हैं बट परफॉर्मेंस में उतने ज्यादा तगड़े नहीं होते। तो अगर आप डे टू डे यूजेज के लिए देख रहे हो तो U सीरीज प्रोसेसर प्रेफर करना, एंड अगर आप गेमिंग, हाई परफॉर्मेंस 3D ग्राफिक्स वगैरह आपको बनाने है तो आप H सीरीज प्रोसेसर प्रेफर करना। दूसरी चीज, अगर गेमिंग या फिर 3D रेंडरिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपके लैपटॉप में ज्यादा से ज्यादा रैम होनी चाहिए और एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखना। एंड तीसरी चीज, अगर आपको मूवीज एंड मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आपको थोड़ा से कलर्स मैटर करते हैं, तो IPS LCD डिस्प्ले ही लेना लैपटॉप्स में। बहुत बार कॉस्ट कटिंग के लिए VGA डिस्प्लेस भी दिए जाते हैं लैपटॉप्स में, जो हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते तो है बट कलर वाइज उतने ज्यादा एकदम एफिशिएंट नहीं होते। तो ये सारी चीजें दिमाग में जरूर रखना, एंड आज के लिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेमिंग लैपटॉप से, तो 2 तगड़े गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, एंड उनके कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने दिए हुए हैं, तो वो भी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप जो है, इट इज द Acer Aspire 5 गेमिंग लैपटॉप, और इस लैपटॉप में आपको i5 12th जनरेशन का एक थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है पिछले साल का, उसके बाद में 16 GB रैम आपको मिलती है, 512 GB SSD है, विंडोज 11 होम आपको मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, एंड उसी के साथ में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है, RTX 2050। थोड़ा सा आइडिया दे दो इस लैपटॉप का, तो इसमें आप गेमिंग एकदम आराम से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था ज्यादा रैम है, एक डेडिकेटेड अच्छा ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है, और ऊपर से 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले भी मिलता है, तो ओवरऑल एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा गेमिंग करने के लिए, आपके वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड इवन जो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए भी। अब इससे पहले सीधा लिंक जाके चेक कर लो, इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। Acer Aspire 5 गेमिंग में ही आपको एक दूसरा वेरिएंट भी मिलता है, इसमें आपको i5 13th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा, जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, एंड उसमें आपको 16 GB रैम, 512 GB SSD, विंडोज वगैरह सब मिल जाता है, एंड उसी के साथ में RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है डेडिकेटेड। बस यहाँ पर चेंज इतना है, ये 14 इंच का लैपटॉप है, थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले के साथ आता है, बट आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लाइक बड़ा स्क्रीन प्रेफर करना है या फिर लेटेस्ट प्रोसेसर आपको चाहिए। तो इन दोनों में ऑप्शन है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लैपटॉप जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है रिसर्च करके, एंड दैट इज द Lenovo IdeaPad Gaming 3। वेल, इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 का 5600H सीरीज प्रोसेसर मिलता है, H सीरीज है, हायर परफॉर्मेंस एंड थोड़ा सा ज्यादा पावर कंजम्पशन, एंड इसी के साथ में आपको IPS LCD की डिस्प्ले भी मिलती है, 8 GB रैम आपको मिलता है, 512 GB SSD, बट इसका जो सबसे स्पेशल चीज है, इट इज द ग्राफिक्स कार्ड, आपको यहाँ पर RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, आप आराम से इसको लैपटॉप में थोड़े से बेटर ग्राफिक आउटपुट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, उसी के साथ में 120Hz डिस्प्ले है, विंडोज 11 है, ऑफिस आपको 2021 फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो लैपटॉप में, बैकलाइट कीबोर्ड आपको मिलता है, प्लस 3 महीने का गेम पास भी सपोर्ट है, तो 3 महीने के लिए आप एक्सबॉक्स की तरफ से जितने भी गेम्स हैं एकदम फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हो, जैसे कि फोर्जा होराइजन हो गया या फिर हेलो का पूरा सीरीज हो गया, तो ये सारे गेम्स एकदम इजीली आप खेल सकते हो। वैसे ये लैपटॉप थोड़ा सा हेवियर साइड में है, 2.25 kg का ये लैपटॉप है, तो ओवरऑल ये लैपटॉप 56,990 rupees में आपको मिलेगा, तो Amazon के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है विद द मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, तो एवरी डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको चेकआउट करना है यू कैन गो एंड सी। अब फाइनली चलते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स की तरफ, और ये लैपटॉप ज्यादा आपके लिए ऑफिस यूज, स्टूडेंट यूज, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडल करने हैं, वर्ड वगैरह चाहिए, अगर आपको मूवीज देखनी है, एंजॉय करना है, शोज वगैरह देखना, तो ये लैपटॉप उनके लिए ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं, जो लाइट वेट है, जो इजिली आप कैरी कर सकते हो यहाँ, बिकॉज जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं 2 किलो के ऊपर भाई बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं, तो इन लैपटॉप्स को आप थोड़े से कैजुअल यूज के लिए यूज कर सकते हो। जो पहला लैपटॉप मैं सजेस्ट करूंगा वो काफी बजट में आता है, आपको 50,000 के अराउंड आएगा, तो 50,990 rupees में आपको Asus की तरफ से VivoBook Go सीरीज लैपटॉप मिलता है। ये 15 इंच का लैपटॉप है विद एन OLED डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के मामले में इसका कोई बीट नहीं कर सकता, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा, डार्क ब्लैक्स एंड पावर सेविंग भी अच्छी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली OLED डिस्प्ले है। इसके साथ में आपको 16 GB रैम, 512 GB SSD, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड एंड ऑफिस 2021 का सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम फ्री
फ्री है, प्री इंस्टॉल आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो लैपटॉप खरीदने के बाद। बैकलिट कीबोर्ड आपको मिलता है, अंधेरे में आप यूज कर सकते हो, एंड बेस्ट पार्ट 1.63 केजी का है, काफी लाइट वेट है, आपके नॉर्मल बैकपैक में भी फिट हो जाता है, तो ट्रैवल करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। प्लस एसुस के जो लैपटॉप होते हैं वो 180 डिग्री पूरे बेंड हो जाते हैं, तो आप एकदम लेट की भी एकदम आराम से लैपटॉप को यूज कर सकते हो। तो अगर ये लैपटॉप इंटरेस्टेड लग रहा है एंड आई रियली रिकमेंड 50,000 में, एक अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस है, मूवीज में मजा आने वाला है, अगर आपको कोई तो कलर रिलेटेड काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग आप वगैरह करते हो, तो ये काफी एक अच्छा डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। वैसे इसमें आपको राइजन 5 7000 सीरीज वाला प्रोसेसर मिलता है, तो काफी केपेबल प्रोसेसर है, बट यू सीरीज है तो नॉर्मल टास्क के लिए ही ज्यादा बना हुआ है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। उसके बाद 50,000 के अराउंड एक सेकंड ऑप्शन है मेरे पास, विच इज द ऑनर मैजिक बुक X14 2023 सीरीज वाला लैपटॉप है, i5 12th जनरेशन H सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है, तो 50,000 में एक अच्छा केपेबल प्रोसेसर है, 16GB रैम है, 512GB SSD आपको मिलेगी, 14 इंच का लाइट वेट लैपटॉप है, कहीं पे भी इजिली फिट हो जाता है, मतलब मैं मैकबुक यूज करता हूँ, ये 13 इंच का लैपटॉप है, तो 14 इंच का लैपटॉप आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन आपको मिलती है, विंडोज 11 है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, तो इससे थोड़ी सी एडेड सिक्योरिटी भी मिलेगी, यू गेट अ बैकलिट कीबोर्ड एज वेल, तो नाइट टाइम में आराम से आप सारे कीज देख के टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, अगर मेरे जैसे आप थोड़े से नाइट आउल हो जिसको अंधेरे में बैठ के काम करना मजा आता है, तो दिस लैपटॉप कैन बी अ गो टू चॉइस, जिसमें आप इजिली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एंड उसी के साथ में अच्छी रैम भी आपको मिलती है। बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, और ये लैपटॉप मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस पर ऑफर चालू है एंड ये एक्चुअली थोड़ा सा महंगा लैपटॉप है, बट अंडर 60,000 अवेलेबल है, तो 49,990 रुपीज में MSI का मॉडर्न 14 लैपटॉप आपको मिल रहा है, i7 12th जनरेशन U सीरीज प्रोसेसर है, 60Hz का नॉर्मल डिस्प्ले आपको मिलता है, 16GB रैम, 512GB SSD, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल एंड 1.4 kg का लाइट वेट लैपटॉप है ये, तो बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत ही अमेजिंग प्राइस में एक कॉम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल लैपटॉप मिल रहा है, तो डेफिनेटली लिंक नीचे दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना, इसकी प्राइस बाद में बढ़ सकती है, तो डिपेंडिंग आप ये वीडियो कब देख रहे हो इसकी प्राइस चेंज होगी। एंड फाइनली द बेस्ट फॉर द लास्ट, HP की तरफ से आपको मिलता है एक 15-inch लैपटॉप, एंड इस लैपटॉप में आपको सबसे लेटेस्ट i5 13 जनरेशन U सीरीज प्रोसेसर मिलता है, नॉर्मल टास्क के लिए बना हुआ है, 8GB रैम आपको मिलती है, 512GB SSD, प्राइवेसी शटर आपको मिलता है, इंटेल का आइरिस XE इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ये बेसिकली प्रोसेसर के अंदर ही ग्राफिक्स यूनिट होता है जिसमें आपको थोड़े से बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है ये प्रोसेसर, गेमिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एकदम नहीं कर पाओगे गेमिंग इसमें, बट हाँ थोड़े सा कॉम्प्रोमाइज आपको क्वालिटी में करना पड़ेगा। बैकलिट कीबोर्ड आपको मिलता है, फुल HD कैमरा है एंड 1.59 kg के साथ ये लैपटॉप एक काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है, एंड एज यू ऑल नो HP का तो नाम ही है अच्छा, आपको आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। 58,880 रुपीज में इसका प्राइस लिस्टेड है Amazon पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड अगर आपको इन लैपटॉप्स को छोड़ के भी कोई ऐसे लैपटॉप्स पता है जो लोगों को पता होनी चाहिए या फिर आर गुड टू सजेस्ट अंडर 60,000, तो उसका नाम एंड मॉडल नंबर नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी ये वीडियो देखेगा उसको कमेंट्स में पता चलेगा कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन इफ दे आर लुकिंग फॉर इट, तो कैसा थोड़ा सा हेल्दी मिक्स हो जाएगा, एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी एंड आप एक दूसरे को भी हेल्प आउट कर सकते हैं इन चूजिंग द बेस्ट लैपटॉप फॉर द प्राइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको फॉर एनी रीजन वीडियो पसंद आई मेक श्योर टू गिव दिस अ लाइक, सब्सक्राइब करो एंड कॉमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल नाउ इट्स मी तेज साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।